हाँ जी, सबनों प्यार भरी सत श्री अकाल दोस्तों। मैं तो अपना जतेंद्र सिंह उठी, वेलकम टू माई यूट्यूब 1308 HI। सो टुडे वी आर मेकिंग वीडियो फॉर द स्टेप्स हाउ टू रीन्यू योर मैंबरशिप, एनुअल मैंबरशिप फॉर CNO। जो भी तुम आपका लाइसेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो जी नर्सिंग दे विच, एज ए RPN, RN या NP, सो तुहानूं ओंटारियो दे विच जी हर साल आपका लाइसेंस जिहड़ा रीन्यू करवाना पैंदा गा। सो जिहड़ी लास्ट डेडलाइन डेट आ जी 31st December आ गई, तो तुसीं उस डेट तक आपका लाइसेंस जिहड़ा रीन्यू करवाना तां तुसीं 1st January तो प्रैक्टिस कर सकते होंगे। सो रेगूलर जनरल प्रैक्टिस वास्ते जिहड़ी फीस आ जी वह अराउंड 300 आ, 270 प्लस टैक्स एंड इट्स 305। सो मैं खुद आपका लाइसेंस कर रहा सी रीन्यू, सो आई थॉट लाइक आई कैन मेक अ वीडियो फॉर यू गाइस, सो दैट इफ एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग फिलिंग द फॉर्म सो दे कैन डू दैट। सो ऑनलाइन ही हो जाना जो तुम आपका अकाउंट खोलोगे, ठीक है जी। वह रीन्यू मैंबरशिप का कॉलम आर तुम ओपन करोगे। सो वीडियो मैं उस हिसाब न बनाई हुई है, तुम चैक कर सकते हो। नाल दी नाल मैं ट्राई किया भी मैं वर्बली भी वो दस सकन तुम कि टैब खोल लिया जा वट एवर आई एम डूइंग। सो जिन्होंने अजे तक चैनल नहीं सबसक्राइब किया चैनल सबसक्राइब कर लियो जी, तो हैल्प लै सकते होंगे फॉर फिलिंग अप द फॉर्म। हाँ जी दोस्तों, सब तो पहला आपके CNO के अकाउंट ओपन करना जी, उस तो बाद लॉगिन करना गा आपका अकाउंट, दैन तुम आपकी ईमेल भरोंगे पासवर्ड लॉगिन करके, दैन दे विल बी अ पेज विच शोज रीन्यू योर मैंबरशिप। तुम आपकी मैंबरशिप रीन्यू करनी है जी, कंटिन्यू माई रीन्यूअल दैन नैक्सट, उस तो बाद प्रैक्टिस कर रहे हो 2018 तो यस, दैन यू हैव टू गो फॉर इंप्लॉयमेंट इनफोरमेशन भी तुम लास्ट जो टाइम आदों तो इंप्लॉय हो, ठीक है, तो एड्रेस आ जाना इंप्लॉयर का, ठीक है जी। दैन नैक्सट उस तो बाद परमानेंट हो, टैंपरेरी हो, कैजुअल हो, फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो, ठीक है, सिलेक्ट करना। दैन आर यू प्रैक्टिसिंग, यस, इंप्लॉयर अपडेट के रिटायरमेंट कर रहे हो, लोंग टर्म कर रहे हो, वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। हॉस्पिटल वट एवर यू आर वर्किंग, दैन यू हैव टू सिलेक्ट सो वट एवर यूर पोजिशन इज, ठीक है जी, तो तुम ये पोजिशन सिलेक्ट करनी है आपकी जो भी तुम काम कर रहे होंगे। एज ए मेरा आऊगा जी कंपलैक्स कॉन्टीन्यू केयरिंग, बिकॉज ये तुम जरा जॉब करते हो तुम एज ए केयर प्रोवाइडर काम करते होंगे, ठीक है, बट एज ए नर्स काम करते हो। दैन थोड़े जो क्लाइंट की रेंज की है जी हॉस्पिटल चो 1864 दैन 65, ठीक है, डिपेंड करती है एज जिथे तुम काम करते हो फैसिलिटी के। हैव यू वर्क फॉर एनी अदर इंप्लॉयर्स फ्रॉम अक्टूबर 2020, यस या नो, तुम वो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है जी। दैन फिर थोड़ा जो एड्रेस है वह की हैगा फाइल के उत्ते, नैक्सट कर देना अगे। दैन फुल टाइम पार्ट टाइम वर्क, ठीक है जी, वो तुम सिलेक्ट करना भी तुम की जॉब कर रहे हो, फुल टाइम आ पार्ट टाइम आ। सो माइन वॉज फुल टाइम, सो आई सिलेक्ट फुल टाइम। दैन नैक्सट, दैन वट इज नर्सिंग प्रैक्टिस, वो अंडर आ रहा जी, सो नैक्सट यू आर प्रैक्टिसिंग आर नॉट। दैन योर वीक्स, हाउ मैनी वीक्स यू वर्क फॉर पास्ट 12 months, तुम कैलकुलेट कर लो जी, 1 month नू 4 weeks से इक्वल। दैन मेरे वीक बनते थे जी अराउंड 36, बिकॉज आई गॉट माई लाइसेंस इन अप्रैल, तो मैं उस हिसाब के नाल आपके वीक फिल आउट कर दते ने। दैन तुम अगे जाओगे जी, तो फिर अगे आता भी आवर्स पर वीक कि काम किया, ठीक है जी, जो फुल टाइम तो 37.5 आवर्स बनते ने पर वीक, पर तुम राउंड फिगर करना 38 कर दो। दैन फिर तुम जाओगे उस बाद ऑन कॉल के, जो तुम एज ए विजिट नर्स काम करते हो तो तुम ऑन कॉल भरने पैने हैं, ठीक है जी, वो तुम भर सकते हो, जो नहीं करते ऑन कॉल तो यू कैन लीव दैट थिंग। दैन पुट 0, दैन गो नैक्सट, तो जो नैक्सट जाने जी उस बाद फिर पुछते हैं भी तुम डायरैक्ट प्रोफेसनल सर्विस कि प्रोवाइड करते हो, ठीक है जी, तो तुम पढ़ लेना गया इनू, तो मेरा 95% आ गया ये, तो आई हैव डन 95% ऑफ
direct professional services, which include patient care, patient education, conducting tests and all. 95% clinical teaching is zero, so I put zero in that one. Then I don't give any teaching. ठीक है जी, जिधर teaching आ रहा हूँ मैं zero पर आएगा. Then research दे बच्चे zero. Administration दे बच्चे मैं 95 पर आएगा. Five पर है जी administration दे बच्चे. Other activities zero. So मेरा currently 100% हो गया. Then I'll go next step. ठीक है जी. तो जो next step दे बच्चे जाने हैं तो तुसी आप दा सारी information fill out देख लेनी है. Without registration number, journal class, RPN, practice declaration. ठीक है जी. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ. ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸਟੈਪ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਗਾ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਜੋ ਭਰੀ ਆਰ ਐਨ ਡਿਗਰੀ, ਬਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ. ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਰ ਐਨ ਡਿਗਰੀ ਭਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਈਅਰ ਭਰਿਆ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਡਨ ਦ ਲਾਈਕ ਫਰੋਮ ਕੰਟਰੀ ਇੰਡੀਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਰੋ. ਯੈਸ. ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਨੋ, ਬ੍ਰਿਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ. ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ. ਹਾਇਐਸਟ ਲੈਵਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਈਅਰ 2 ਈਅਰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟ ਭਰਨਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਰ ਫੀਲਡ ਆਫ ਭਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਜੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਹੈਵ ਡਨ ਦੈਟ ਥਿੰਗ. ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ, ਦੈਨ ਦੇਰ ਇਜ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਫਰੋਮ ਵੇਅਰ ਯੂ ਸਟੱਡੀਡ. ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਫੋਰਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਆਊਟ ਆ ਗਈ. ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਕਲਿੱਕ ਦੈਟ ਆਈ ਸਰਟੀਫਾਈ, ਦੈਨ ਕਨਫਰਮ. ਦੈਨ ਦੇ ਵਿਲ ਬੀ ਅ ਰੀਨਿਊਅਲ ਫੋਰਮ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ. ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ. ਦੈਨ ਆਫਟਰ ਚੈਕਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਮਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ. ਸੋ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਜ $270 ਪਲੱਸ $35 HST. ਇਟਸ 305.10 ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੈਨ ਪੁੱਟ ਯੂਅਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਬਾਊਟ ਯੂਅਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਗੁੱਡ ਟੂ ਗੋ. ਐਂਡ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਰਿਸਿਪਟ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਸਿਪਟ ਆ ਜੀ CNO ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ RPN ਜਰਨਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡੇਟ ਆ ਗਈ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਦੈਨ ਜੋ ਮੈਂ ਪੇ ਕੀਤਾ ਦੈਟਸ ਆਲ. ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਫਿਲ ਅਪ ਦਾ ਫੋਰਮ ਐਂਡ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਯੂਅਰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊਡ. ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊਡ ਟੂਡੇ ਐਂਡ ਆਈ ਗੋਟ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਲਪ ਮੀ ਵਿਦ ਸਮ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੋਜ ਅਸ ਲਾਈਕ ਸਟਕ ਔਨ ਦੋਜ ਪੁਆਇੰਟਸ. ਸੋ ਆਈ ਗੋਟ ਹੈਲਪ ਫਰੋਮ ਹਿਮ ਐਂਡ ਆਈ ਗੋਟ ਮਾਈ ਲਾਈਸੈਂਸ ਰੀਨਿਊਡ ਫੋਰ ਦਾ ਈਅਰ 2022. ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਅਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ. ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ. ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ.